हेलो दोस्तों, कल से स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आप ज़रा देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, स्कूल तो खुल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। और आप देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट के हिसाब से कि छात्र संक्रमित हुए तो प्रधानाचार्य पर दर्ज होगा केस, इलाज का खर्च भी देना होगा। और फिर आप देख सकते हैं, छात्र के कोरोना संक्रमित मिलने पर प्रधानाचार्य के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, साथ ही उसे इलाज का खर्च भी देना होगा। यानी कि अगर छात्र जो हैं स्कूल जाएंगे, अगर उनको कोरोना संक्रमित मतलब हुए, कोरोना से संक्रमित हुए, ग्रसित हुए, तो वो पूरी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य को दी जाएगी और प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई तक की जा सकती है और उनको इलाज का खर्च भी देना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, वो अगर स्कूल जाएंगे और तब कैसे जाएंगे, मतलब आपको लिखित अनुमति पत्र देना होगा। यानी कि आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल या नहीं भेजेंगे। और उसके बाद अगर आपके बच्चों को कोरोना हो जाता है तो जिम्मेदारी किसको? प्रधानाचार्य को, टीचर जिम्मेदार होंगे। भाई, ये कौन सी बात हुई? मान लीजिए, जैसे इसका तो मिसयूज भी किया जा सकता है। टीचर उसको क्या है, प्राइवेट टीचर है, 2-3 हज़ार रुपये में बेचारा पढ़ा रहा है, या सरकारी भी टीचर है, उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, और ये कोरोना मतलब केस दर्ज हो जाएगा उस टीचर पे, उस अध्यापक पे, उस प्रधानाचार्य पे। ये क्यों? प्रधानाचार्य या कोई भी टीचर ये नहीं कहता कि हम अपनी मनमानी से स्कूल खोलेंगे। क्या किसी ने कहा कि हम स्कूल खोलेंगे मनमानी से? अगर हम अपनी मनमानी से स्कूल खोल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका इलाज देंगे और हमारे साथ वो कार्रवाई की जाए। मर्जी किसकी है? सरकार की। सरकार स्कूल खोल रही है, सरकार को वो जो चीज़ें हैं ना, उनको वो जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अगर कोरोना छात्र संक्रमित हुआ ना, तो विद्यालय को उतना फंड देना चाहिए, रुपए पैसा देना चाहिए, और हर विद्यालय पे एक दो डॉक्टर तैनात किए जाने चाहिए। और दूसरी बात, इसका मिसयूज कैसे हो सकता है? मान लीजिए, मैं देखता हूँ, मैं गाँव से हूँ, मैं देखता हूँ कि गाँव में जो बच्चे हैं ना, मैं देखता हूँ ऐसे खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, साथ साथ में खेलते हैं। मार्केट यहाँ पे लगती है, बहुत भीड़ हो जाती है, बच्चे मार्केट भी जाते हैं, मेला है गांव में, छोटे छोटे लगते हैं, मेला भी देखने जाते हैं। और आजकल तो नवरात्रि का पंडाल भी लग चुका है, मेरे गांव में भी लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे वहाँ पर भी जाते हैं, पंडाल में भी जाते हैं, शादी बारात में भी जाते हैं, और अब कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बच्चे कहीं भी जाएँ, कहीं भी टहले, कोई भी गार्जियंस ये उसको डर नहीं है कि कोरोना हो जाएगा, लेकिन स्कूल जाएगा तब कोरोना हो जाएगा। ये कौन सी बात है भाई, स्कूल जाएगा तो कोरोना हो जाएगा? मान लीजिए स्कूल में वो 2-3 घंटा रहेगा और बाकी 20 घंटे तो आपके घर पे रहेगा ना, आपके पास रहेगा, आपके साथ रहेगा। और मान लीजिए कि वो आप बच्चा कहीं भी गया, शादी में गया, या मेला गया, या मार्केट गया, या अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में कहीं भी गया, और उसको कोरोना हो जाता है, और गार्जियंस क्या है, वो कहेंगे भैया ऐसा है, एक काम करो, आप जो है स्कूल जाओ आज, ठीक है? और स्कूल जाओ, और वहाँ पे फिर जो है ना, हम चाहेंगे और कहेंगे कि हमारे बच्चों को स्कूल आने से कोरोना हो गया, और पूरा का पूरा खर्च, पूरा का पूरा इलाज प्रधानाचार्य झेलेंगे। भाई, ये कौन सी बात हुई? तो दोस्तों, कि कोरोना तो कहीं से भी हो सकता है, या तो वो विद्यालय के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करे सरकार, और या तो हमें लगता है ना कि ये जो है ना, ये वाला सत्र शून्य कर देना चाहिए। पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो पा रही बच्चों की, गरीब बच्चे हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ पाएंगे, मुझे मालूम है, पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो पा रही है, तो इस सत्र को शून्य कर दो। स्कूल में बच्चे, वो व्यवस्था प्रधानाचार्य खुद करके रखेगा, वहाँ पे विद्यालय है, कोई घर नहीं है, कोई मार्केट नहीं है कि छोटी जगह में, वहाँ पे बेंच हैं अलग अलग जगह, वो चाहे तो 2 मीटर की दूरी पे बच्चों को बिठा सकता है, फट्टी पे बिठा सकता है, अगर उसके पास बेंच वगैरह नहीं है, वो तो व्यवस्था अपना कर सकता है कॉलेज में, क्योंकि आप 30% बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाएंगे ऐसा कि नियम है, और 2 पालियों में जाएंगे, तो वो व्यवस्था तो कर सकता है। और उसके बावजूद भी कोरोना स्कूल में हो जाए, भाई कोरोना हो सकता है, अब मार्केट में हो सकता है, घर में, बाजार में, आपके जो है यातायात की, जो हम लोग यात्रा करते हैं, शादी बारात उनमें हो सकता है, पंडाल सज रहे हैं उनमें हो सकता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखो, उन पे आप नियम कानून बनाओ। तो पहली बात देखो, पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो बच्चे, जो मतलब पूरा उनका साल जो गया है वो टहलने में गया है,
पढ़े पढ़े उनका टाइम बर्बाद हुआ है। अब वही बच्चे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और उनको एक नए स्तर से उनको पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई के साधन जो है ना अपने इंडिया में, वो पढ़ाई के साधन भी नहीं है भाई। देखो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। डिजिटल इंडिया की बात होती है ना, तो टेक्नोलॉजी उतना विकसित करो, कॉलेज विद्यालय में व्यवस्था करो, कंप्यूटराइज करो, वहाँ पर नेटवर्क बढ़िया दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें सरकार को भी करनी चाहिए। सब कुछ तो डिजिटल हो रहा है, तो अपनी स्टडी भी डिजिटल होनी चाहिए, वो भी लिखित नहीं, बातों बातों में नहीं, हकीकत में होनी चाहिए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो मैं बात शेयर कर रहा हूँ क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं सही कह रहा हूँ। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ।